सो आइनाइजेशन पोटेंशियल बेसिकली आपकी क्या होती है आपकी एनर्जी होती है मिनिमम एनर्जी जो चाहिए होती है अगर हमें कोई भी एलिमेंट को अगर लूज करने हैं आपके इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द वैलेंस शेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसेज आटा राइट अगर उसको इलेक्ट्रॉन लूज करने हैं फ्रॉम द बैलेंस शेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियज आटा सो उसे माइनाइजेशन पोटेंशियल कैसे राइट क्लियर सो अब देखो होता कहेगी अगर आपसे बोला गया कि आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन बतानी है उस स्टेबल कटायन की ऑफ फोर्थ पीरियड एलिमेंट जिसकी लोएस्ट आइनाइजेशन पोटेंशियल होगी सो देखो आपको समझना होगा कि ये जो फोर्थ पीरियड एलिमेंट का मोस्ट स्टेबल कटायन है राइट right? सो so, ये आपका बिलोंग करेगा बेसिकली ग्रुप वन से राइट right? ग्रुप वन से ये आपका क्या है फोर्थ पीरियड में बिलोंग करेगा बिकॉज ग्रुप वन के एलिमेंट्स की ही लोएस्ट आइनाइजेशन पोटेंशियल होती है और जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं और ज्यादा आपके पास क्या वैल्यू कम होने लग जाती है राइट उसका रीजन ये होता है कि ग्रुप वन वालों के पास सिर्फ एक ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है सो so, वो रेडली उसको लूज करते हैं ताकि उनकी कॉन्फिग्रेशन स्टेबल हो जाए फाइन सो देखो अब अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पर यहाँ पर अगर मैं बात करती हूँ so, यहाँ पर जो फोर्थ पीरियड का मेरा एलिमेंट होता है वो बेसिकली आपका क्या होता है अगर मैं बात करती हूँ ये होता है आपके पास आप पोटेशियम राइट सो so, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन क्या होती है क्योंकि फोर्थ पीरियड का है so, सो चार शेल्स होंगी और राइट और मैंने आपको बोलती हूँ ऑलरेडी कि वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है सो इनर शेल्स कंप्लीटली फिल होंगे दैट इज टू एट एट वन राइट के एल एम

स मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करे डाउट नटअप या व्हाट्सअप कीजिए अपने डाउट्स आठ चार सौ चार सौ चार सौ पर